स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में इसको डीके में एंड आज हम जो शेयर को लेकर बात करेंगे वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे आप लोग आईआरएफसी के नाम से जानते हो तो आईआरएफसी के अंदर आज के दिन आप लोग देखोगे फ्रेश बाउंड वीक हाई स्टॉक ने बनाया है और हाल फिलहाल बात करें तो इक्यावन रुपए पचास पैसे के भाव पर जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है लगभग एक परसेंट की तेजी के साथ और जो वॉल्यूम स्टॉक में लगी वो यहां पर आप लोग देखोगे अट्ठारह करोड़ छियासठ लाख के करीब स्टॉक में वॉल्यूम भी आई है सुबह में देखा होगा स्टॉक एक बार तो हमें जो अभी नेगेटिव जाते हुए नजर आया क्योंकि कल के दिन सेलिंग जोन में शेयर के ऊपर आपने देखोगे ऑर्डर लगे हुए थे सेलिंग के लिए तो सेलिंग जोन में था शेयर थोड़ी बहुत करेक्शन को लेकर भी मैंने आपको बोला थोड़ी बहुत करेक्शन स्टॉक में आ सकती है बट रिकवरी आने की काफी ज्यादा चांसेस है अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है दो परसेंट तीन परसेंट

तो आप लोग भी खुद भी समझदार हो अभी ऐसी अगर न्यूज़ आएगी मार्केट के अंदर ठीक है खुद पीएम मोदी के द्वारा ऐसी अनाउंसमेंट की जाएंगी जहाँ पर रेलवे सेक्टर के अंदर आने वाले टाइम में बूम आएगा और रेलवे सेक्टर के शेयरों में भी तो इन शेयरों के अंदर एक अच्छा मौका है और गिरावट के अंदर शेयर अगर मिले तो स्टॉक को मत रखिए नीचे के लेवल में खरीदिए ठीक है तो ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए बहुत सारे निवेशक शेयर को जो अभी तेजी देख कर बेच देते हैं फिर स्टॉक और भागता फिर ऊपर के लेवल में जाकर फिर फंस जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है जैसा है वैसा स्टॉक को रखिए जिनकी फ्रेश एंट्री लेने का मन है ठीक है तो उन्हें एस वगैरह पुट करके चलना है तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसके अंदर अपनाइए ना भाई एस अगर कटे तो स्टॉक से बाहर निकल जाइए अगर एस पर शेयर है तो ऊपर में अगर शेयर है तो क्या बुराई क्या स्टॉक को रखने में तो स्टॉक को हम रख सकते हैं यहाँ से हो आ, सेलिंग का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा अभी अभी हाल फिलहाल तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अठारह करोड़ छियासठ लाख के, के करीब वॉल्यूम लगी है स्टॉक में जबरदस्त वॉल्यूम उचल है दो परसेंट के करीब शेयर उछल चुका था पी ई रेशो आप लोग देखोगे एक अच्छी रेंज में है टेन पॉइंट एट पर है ये आप लोग देखोगे पंद्रह बीस इसके पास हो तो काफ़ी अच्छी रेंज में माना जाता है तो ये ओवर वैल्यूड शेयर नहीं है ये अंडर वैल्यू शेयर है उसी चलते जो इसके अंदर खतरे हैं वो मैंने आपको बताए हैं एक तो आप लोग देखोगे आर ऐसा ये एटी टू पर है एम ओ फाई सेवेंटी फाइव पर है यही आप लोग देखोग स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा खतरा मंडरा रही है इन्हीं वजह से क्योंकि स्टॉक थोड़ा ओवरबोर्ड जोन में है बट इन सब को लेकर भी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है तो यहां पर जैसा वैसा स्टॉक को आपको रखना है मेरा पर कहने का मतलब है स्टॉक को होल्ड करने का नीचे में एसल वगैरह क्या लेके चलना है वो आपको मैं बता देता हूं तो चलिए तो यहाँ पर आप लोग देखोगे आज का जो ऊपर में इसका रेजिस्टेंस लेवल था वो क्या था बावन रुपये दस पैसे स्टॉक ने इसे ब्रेक किया है इसके ऊपर में भी गया है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर के लेवल से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली यहाँ पर आप लोग देख सकते हो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है ना इस प्रॉफिट बुकिंग के चलते अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की तो नीचे में सपोर्ट क्या बना हुआ स्ट्रांगली सपोर्ट है इसका छियालीस नब्बे पैसे का ठीक है करंट लेवल पर अगर स्टॉक को उठाने के बारे में आप लोगों का मन है तो छियालीस रुपये नब्बे पैसे का एक्सएल पुट करके चल सकते हो और ऊपर में अगर मैं बात करूँ यहाँ से इसके टारगेट की तो पचपन से साठ रुपये के जो टारगेट है वो शेयर आपको यहाँ से दिखा सकता है और अभी तो और बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होना बाकी है अभी रेलवे सेक्टर के रिगार्डिंग तो इन शेयरों के अंदर एक अच्छी रैली बनने के संकेत हैं तो यहाँ से अगर आप लोग इसको होल्ड करके चलना चाहो तो अभी कोई दाय नहीं है अगर फ्रेश एंट्री लेके चलना चाहो तो भी कोई दो राय नहीं है बट असल हमारा क्या रहेगा छियालीस रुपये नब्बे पैसे का अगर ये लेवल नीचे में टूटे तो फिर ये शेयर आ सकता है नीचे में चालीस रुपये के आसपास पास तिरतालीस रुपये के आसपास फिर वहाँ से एक बड़ा मौका मिलेगा स्टॉक में फ़्रेश एंट्री लेने का तो यहाँ से होल्डिंग में चलना आई थिंक सबसे बेस्ट अगर ये शेराज के दिन आप लोग देखोगे बावन दस के ऊपर में क्लोजिंग लेता है ना तो स्टॉक में एक अच्छी रैली बनेगी अगर बात करें कल के टारगेट्स को लेकर तो कल के लेवल्स आपको शाम की वीडियो में मिल जाएंगे सारा डाटा वगैरह देख कर कोई अपडेट आती है वो भी देखेंगे तो शाम तक आपको जो अभी इसका सारा निचोड़ निकलते हुए नज़र आएगा और कल के लेवल्स आपको वो शाम की वीडियो मिल जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मत भूलना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो